और आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अभी अंतर्गत अभी हम जीविका भवन में हूँ जहाँ की आज मतदाता जागरूकता अभियान यहाँ चलाई जा रही है। देख रहे हैं यही पटोरी प्रखंड के जीविका भवन में जो यहाँ अभी मतदाता जागरूकता अभियान यहाँ चल रही है। देखते हैं यहाँ किस प्रकार का यहाँ प्रोग्राम यहाँ पर आए हुए SDO साहब भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में और यहाँ देख रहे हैं यहाँ कार्यक्रम करते हुए जीविका के ओर से यहाँ पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं उसी तरह से चकरा चली है, उसी तरह से दर्रा है जहाँ का वोटिंग परसेंटेज कम भी है और वोटर को धमकाया भी जाता है। धमकाने का मतलब है कि आज के डेट में हर आदमी को मत गिराने का अधिकार है, पूरा पावर है। आप किसी के डर से, किसी के भय से आप अपना वोट नहीं गिराइए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप निर्भीक होकर के वोट गिराइए और क्यों नहीं गिराइएगा। हर आदमी को वोट देने का सरकार ने राइट दिया है और चुनाव आयोग का यह कहना है कि 100% मतदान हो तो बहुत अच्छा। मतलब कि आप सुबह में जाकर के लाइन में लग जाइए, वोट गिरा के आइए, पर खाना पीना खाइए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, पहले खा पी करके पहले मेरा शरीर बढ़िया रहे और 4 बजे शाम को जाएंगे ठंडा में वोट गिराने। कुछ लोग का काम यही सोच होता है कि अभी गर्मी है, लू चल रहा है, आदमी का भीड़ होगा, 4 बजे जाएंगे सन्नाटा में वोट गिरा के आएंगे। पता चला कि जब हम गए तो शाम को लाइन इतना था कि वोट गिराते गिराते 6 बज गया और हम लाइन से बाहर घर वापस आके बिना वोट गिराए। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है, पहले आप अपना वोट गिरा दीजिए, ठीक है। तो यह कहना है। दूसरा है कि जहां पर पुरुष मतदाता और महिला मतदाता दोनों का वोटिंग समान होना चाहिए या महिला मतदाता का वोटिंग ज्यादा होना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे टोला में या आपके टोला में अगर 100 घर होगा तो 100 घर में एक महिला एक पुरुष तो जरूर होगा। मतलब कि 100 को पुरुष मतदाता तो 100 को महिला मतदाता, लेकिन महिला मतदाता का वोटिंग परसेंटेज कम है, कई जगह कम होता है। मतलब कि पुरुष वोट गिरा दिया, अब महिला वोट नहीं गिरा है। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि महिला लाइन में कहां से लगेगी, तू घर की बेटी बहू है, बाहर निकलती नहीं है, या महिला को वोट गिराने से क्या होगा, हम तो गिराना दिया जाकर नहीं। एक एक वोट की होती है और हर आदमी को वोट गिराना चाहिए। तो जहां पर पुरुष से 5% वोटिंग कम हुआ है वैसा बूथ का नाम विधानसभा वाइज लिस्ट पूरे सरकार के द्वारा जारी करके भेजा गया। इस लिस्ट में पूरे बिहार में कहां कहां महिला का वोटिंग परसेंटेज पुरुष से 5% कम है वहां पे उसका लिस्ट में नाम है और संजोग से हमारा पटोरी का नाम उसमें नहीं है। इसका मतलब है कि पटोरी जो है ना ये थोड़ा सा जागरूक इलाका है, ये पटोरी ब्लॉक जागरूक एरिया है कि जहां पे पुरुष के साथ साथ महिला भी मतदान करने का अपना अधिकार समझती है और जाकर के अपना वोट गिराती है। हमारे बीच नगर कार्यपालक पदाधिकारी सर और कृषि विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से और पत्रकार गण सभी लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों को पता होगा कि 13 मई 2024 को आम चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव जिसको आप लोग जानते हैं 2024 का। उसके लिए राज्य से बार बार निर्देश आ रहा है कि मतदाता का प्रतिशत बढ़ाना है, इसके लिए बहुत सारी गतिविधि को हम लोग को करना है। तो आज हमारे बीच हमारे अनुमंडल के SDO सर आए हुए हैं ताकि सर के नेतृत्व में आज एक शपथ कार्यक्रम जीविका दीदी के साथ, उसके बाद हस्ताक्षर अभियान और तीसरा गतिविधि एक सेल्फी जो यहाँ पे है जागरूक लोगों को करने के लिए। यह कार्यक्रम 3 कार्यक्रम होगा। तो एक बार सर के लिए जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें। तो सर 2 शब्द कुछ कहेंगे आप लोग। आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ जो मतदान के लिए जो दिन निश्चित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा वो 13 मई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए कि जितने भी नागरिक हैं वो अपने मतदान का जो मतदान का अधिकार है उसका उपयोग जरूर करें, क्योंकि मतदान का अधिकार एक तो यह दायित्व तो भी है हमारे नागरिक होने का और दूसरा देश की जो आगामी व्यवस्था तय होगी चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, वो सरकारें ही तय करती है। सरकार को चुनने का अधिकार हम सभी को, आपके व्यक्तिगत च्वाइसेज होते हैं कि आप किसको अच्छा मानते हैं और किसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं,
लेकिन ये दायित्व तो सबका है कि वोटिंग करें। जब आप वोटिंग नहीं करेगा तो फिर आपको सरकार के जवाबदेही पूछने का भी अधिकार नहीं रह जाता है कि आप क्या करते नहीं। तो प्रथम कार्य इस चुनाव की प्रक्रिया में देश के सभी नागरिकों की हिस्सेदारी हो, यह अत्यंत आवश्यक, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे आवश्यक है कि सभी की भागीदारी, चाहे वो सबसे निम्नतम तबका का व्यक्ति हो, वह व्यक्ति भी जिसको हो सकता है कि उसे घर में जो है चूल्हा जलाने की भी ठीक नहीं है, खाने का भी ठीक नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि वह एक ऐसी सरकार चुने जो कि उसकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करे। और जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसको भी यह अधिकार है कि वह हमारे बीच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सर भी हैं, वो भी दो शब्द आप लोग को मैंने संबोधित करेंगे। सर एसडीओ साहब, आप लोगों को सब कुछ बता ही दिए, आप लोग आस पड़ोस के लोगों को जागृत कीजिए और इतना अधिक हो सके मतदान के लिए आप लोग जागृत करें, इसमें आप लोगों का अहम रोल है। बहुत आप लोगों ने अच्छा कार्य किया है पिछले चुनाव में भी, और इस बार भी आप लोगों से ऐसी ही उम्मीद हम लोग करते हैं कि इस बार भी लोगों को जागृत करके घरों से निकालिए और मतदान के लिए उनको ले जाइए वोट तक। धन्यवाद। तो अभी हम लोग एक शपथ कार्यक्रम हम लोग करेंगे, सभी दीदी आप अपने जगह पे खड़े हो जाइएगा और हम सभी एक नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करेंगे, साथ ही अपने आसपास के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सर, मेरा नाम आतिफ शहरियार हुआ और हम पटोरी प्रखंड में प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका के तौर पर कार्यरत हैं। जी, अभी तो देख रहे थे मतदाता जागरूकता अभियान, इससे क्या आपका दिशा निर्देश देना चाहेंगे, क्या समाज के अंदर क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि जिनका भी 18 वर्ष से ऊपर है जी और जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, वह अवश्य 100% जाकर के मतदान 13 मई को करें। जी, मतदान मतदाता जागरूकता अभियान अभी चला रहे थे यहाँ के SDM भी महोदय को देखे सर, तो ये अभियान कब तक यहाँ चलती रहेगी? यह मतदाता जागरूकता अभियान जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते 11 मई तक यह कार्यक्रम चलेगी। जैसे ही चुनाव का प्रचार प्रसार हो जाएगा यह कार्यक्रम यहाँ तो देखें सर, जीविका दीदी का अहम भूमिका रहती है। जी, ये मतदाता जागरूकता अभियान में पूरे बिहार में जीविका दीदी का बहुत अहम रोल है और गांव-गांव, टोलों-टोलों, कस्बे-कस्बों में हर जगह जो है सो समूह स्तर पे, वीडियो स्तर पे, सीएलएफ स्तर पे सखी चर्चा करके, सखी वार्ता करके और मतदान करने के बारे में, मतदान के महत्व के बारे में यह बता रही है दीदी, और हर घर ही जा करके वहाँ पे दस्तक दे करके बताने का प्रयास कर रही कि आप मतदान अवश्य गाँव पंचायत स्तर पर भी, वार्ड स्तर पर भी जीविका दीदी का पूरा लक्ष्य है कि हम अपने अंतर्गत जितने भी प्रखंड में जितने भी वार्ड हैं सभी वार्ड में जहाँ जहाँ जितने परिवार हैं सभी परिवार तक हम समय से पहुँचे और उनको मतदान का भी प्रेरित करें, सभी पर तक जाने का हमारा लक्ष्य। जी, धन्यवाद सर, आपको भी अभिनंदन। धन्यवाद।